अब आज जो है अभी अंदर सदन में मुख्यमंत्री जी ने भी टिप्पणी करी कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, वो डेली ऐसे ही बस कर रहा है सिर्फ प्रदर्शन। तो इस विपक्ष में नारेबाजी लगती है, प्रदर्शन करते हैं, तो इनको क्या आफत आ गई थी? कांग्रेस ने 10 करंटियां दी, एक माया जाल सा बिछाया 10 करंटियों का, और जिसके कारण वो जीत कर सत्ता में आई है। जो आपने झूठी गारंटियां देकर जो आप इस सत्ता में आए, सरकार में कई विधायक ऐसे भी हैं जो टिप्पणी करते हैं कि बाय इलेक्शंस में आप जीत के आ गए वरना ऐसे आप नहीं आ पाते, उनके लिए क्या जवाब है? ईश्वरी जो एक एक मात्र में है महिला जो जीत के आई, ये सबसे बड़ा जवाब उनके लिए। हेलो, वेलकम टू द न्यूज रेडार, मेरा नाम शिवांशु शुक्ला है। चर्चा के लिए, खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी है रीना कश्यप, जो कि सिरमौर के पच्छड़ से विधायक हैं। एक सिंगल लेडी हैं पूरी विधानसभा में जो कि विपक्ष में है, आवाज़ बुलंद करती। प्रदेश की पूरी महिलाओं का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व जो है वो इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। सब सवाल की शुरुआत यहीं से करूंगा, कैसे डिसीजन था, और अपने आप को जब आप विधानसभा के अंदर देखती हैं उन सब के बीच, तो अकेले आप महिला हैं, कैसा महसूस होता है और कैसा ऑब्जेक्टिव दिमाग में आता है? जहाँ तक अकेले विधायक की अगर मैं बात करूँ, महिला विधायक मैं इस बार अकेली हूँ। कहीं ना कहीं अकेले होने के कारण मुझे काफ़ी मान सम्मान मिलता है, और जो मेरे काम है वो इजीली हो जाते हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। बहुत अच्छा। बात करेंगे मैम, आप लोग ने आज सुबह प्रोटेस्ट किया, बीते 4 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा, उससे पहले एक दिन आक्रोश रैली से शुरुआत हुई थी पूरी, जो भाजपा विपक्ष द्वारा लगातार करा जा रहा है। तो अब आज जो है अभी अंदर सदन में मुख्यमंत्री जी ने भी टिप्पणी करी कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, वो डेली ऐसे ही बस कर रहा है सिर्फ प्रदर्शन, तो इस पर क्या कैसे देखते हो? देखिए, जहां तक मुद्दों की बात करें, हमारे पास जो जबरदस्त मुद्दा है वो 10 करंटियां है। जब चुनाव हुए थे, चुनाव के समय में जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने 10 करंटियां दी, एक माया जाल सा बिछाया 10 करंटियों का, और जिसके कारण वो जीत कर सत्ता में आई है। आज जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उनको ये बतलाना ज़रूरी है कि जो 10 करंटियां आपने दी है वो करंटियां आप पूरी करें। कहाँ गई आपकी 10 करंटियां? मैम, क्या लगता है कि सरकार के एक साल के कार्यकाल को कैसे आंकते हैं? हालांकि विपक्ष में बतौर आप लोग डेली प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें पता है, लेकिन आप बीइंग ए वुमेन, क्योंकि बहनों को संजोने का वादा, 1500-1500 रुपये देने के वादे थे और एक भी पूरे नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण जो गारंटी थी वो 1500 रुपये गारंटी हर महिलाओं को हर माह में देने की थी। तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, चुनाव के समय जो उन्होंने वादा किया था कि जब फर्स्ट कैबिनेट होगी तो सबसे पहले हम महिलाओं के लिए 1500 रुपये जो पेंशन जो गारंटी के तौर पर उन्होंने दी थी वो हम करेंगे, तो एक साल पूरा हो चुका है, कहाँ है उनकी ये गारंटी? आज पूरे हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं, जो समाज का आधा हिस्सा है, उनकी ये डिमांड है, उनका ये हक है, और ये हक उन्हें देना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा आपके बारे में, क्योंकि बीइंग ए फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, पूरा प्रदेश जब आपके पास आता होगा तो वो आपसे मदद की गुहार लगाता होगा, तो जब वो आपके पास आता है तो आप उन्हें क्या रिकमेंडेशन, कुछ तो जो रिकमेंडेशन आप देते होंगे उसके अलावा हिमाचल हेल्पलाइन नंबर वगैरह या क्या चीज़ें उन्हें आप मुहैया कराते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, अगर काम की बात है या फिर जो लोग जिस प्रकार एक वचनप्रद हम भी है कि अगर हम जीते हैं लोगों के कारण ही जीते हैं, जो जो उनके काम है, छोटे मोटे काम, जो चाहे वो सड़कों से संबंधित हो या फिर किसी के घर बनाने से संबंधित हो, तो इतना तो ज़रूर है कि अपना जो उनके उस समय चुनाव के समय के जो काम है, जो हमने घोषणा की होती है, 100% हम खुद उसको पूरा करते हैं। सरकार में कई विधायक ऐसे भी हैं जो टिप्पणी करते हैं कि बाय इलेक्शंस में आप जीत के आ गए वरना ऐसे आप नहीं आ पाते, उनके लिए क्या जवाब रहेगा? देखिए, ईश्वरी जो एक एक मात्र में है महिला जो जीत के आई हूँ, ये सबसे बड़ा जवाब उनके लिए है, क्योंकि एक महिला सब पे भारी है। तो मैं ज़्यादा इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जनता सब जानती है कि मेरे कार्य करने की क्या शैली है, किस तरह से हमें लोगों के बीच जाकर हम एक बेटी एक बहन बनकर मैं कार्य करती हूँ। कभी हमने ये नहीं सोचा कि मैं एक विधायक हूँ, हमेशा एक बेटी और एक बहन करके मैंने अपने पछात विधानसभा क्षेत्र में काम किया। अब मैम, बात करते हैं आज सुबह की, जब प्रदर्शन हो रहा था उसी बीच कांग्रेस के मित्र भी संसद के सांसद यहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने नारेबाजी करी, आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, दोनों लोग आपस में मिलकर
के नाचने लगे और प्रदर्शन अपने अपने तरीके का एक्सप्रेस किया। कैसे देखते हैं इस चीज़ को और क्या कहना है? देखिए, ये पहली बार इस बार इस तरह से हुआ है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये व्यवस्था परिवर्तन का प्रकोप है। इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ है। ठीक है, विपक्ष में नारेबाजी लगती है, प्रदर्शन करते हैं, तो इनको क्या आफत आ गई थी? सरकार में है और इस तरह से अगर सरकार भी प्रदर्शन करने लगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। अगर मैम आपसे मैं कहूँ कि 3-4 पंक्तियों में सरकार को संवाद करना है तो क्या कहना चाहेंगी सर? देखिए, मैं सरकार को इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आपने झूठी गारंटियाँ देकर जो आप इस सत्ता में आए और जो लोगों से आपने वादा किए, चाहे वो रोज़गार देने की बात है या फिर महिलाओं को 1500 देने की बात है या फिर किसानों और बागवानों की बात है, वो आप सारे वादे अपने पूरे करें। ना तो अभी चुनाव 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और इसमें जो जनता है अपना हिसाब किताब बराबर करें। बीइंग वुमेन विधायक, आपके क्या पर्सपेक्टिव हैं प्रदेश में बढ़ते जो वुमेन्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं या फिर उनके साथ उत्पीड़न के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और उन पर रोकथाम नहीं है? कई जगह वो वैलिड हैं, कई जगह वो इनवैलिड हैं, कई जगह उनकी ऊपर जाँच होती है, कई जगह छूट जाती, तो इसके लिए आपको क्या कोई सुझाव आपकी तरफ से दिया गया है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये मुद्दा है और कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि जो महिला की अगर हम बात करें, महिला खुल के अपनी बात बता नहीं सकती है और ये कठोर कानून इस महिलाओं के लिए बनना चाहिए जिसमें महिला अपने आप को सुरक्षित समझे। मेक श्योर टू प्रेस लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द न्यूज़ रडार।